इनको ठीक भी है, एमएसपी आपने चाहिए। अपना पॉइंट और रखा। फिर भाई देवेंद्र जी, जी एक जो बड़ी दलील लगातार सरकार की तरफ से भी दी जा रही है कि ये जो आंदोलन है वो कुछ राज्यों का स्पेसिफिक है जहां से किसान आए हैं, लेकिन देश भर में ऐसी स्थिति नहीं है। कई किसान संगठन और कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी अच्छी खासी संख्या है जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। बताओ भाई, बोलने दे। देखिए मीनाक्षी जी, यही भ्रम पैदा किए जा रहे हैं इस आंदोलन को लेके, क्योंकि सरकार देखिए, अपनी सरकार भी अपने रुख पे अड़ियल है और किसानों ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इस कानून से उनका भला नहीं हो रहा है। ये उनको समझ में, या तो ये समझ में सरकार समझाने में कामयाब होती तो इसको, कानून को बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीजें शुरू में शामिल की गई। SOIL की बात करके हरियाणा पंजाब को अलग करने की बात की गई और अनेकों मुद्दे उठाए गए, आपको सब पता ही है। और अभी तो बड़ी बड़ी कंपनियों का बैकअप बताने लगे, कहीं चाइना की बात करने लगे कि चाइना इसके पीछे है। तो देखिए ये सब टैक्स जो है ना, चलेंगे नहीं। किसान अच्छे से समझ गया है कि ये कानून जो बना है ये हमारी भलाई में नहीं है। बढ़िया तरीके से कोई नया कानून बन के आए, किसान उसका स्वागत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये किसान, आप इन कुछ बड़े जमींदारों को छोड़ दें, छोटा किसान जो है पूरा परिवार लग के दिन रात मेहनत करता है, जब अपनी फसल उगाता है उसको इतनी तो चिंता है कि मुझे एक फसल की मिनिमम गारंटी मिल जाए, चाहे प्राइवेट खरीदे चाहे सरकारी खरीदे, कोई भी खरीदे, कम से कम जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं सब अपने फसल का, अपने जो भी उत्पाद है उसका रेट तय करते हैं। किसान की क्या गलती है? किसान ने जब अपना एक उत्पाद किया, वो यही तो कह रहा है कि एक रिजनेबल प्राइस सरकार तय कर दे, कोई भी खरीदे, प्राइवेट खरीद ले या सरकारी खरीद ले, वो कम से कम उसको ये रेट मिल जाए। उसकी यही चिंता है कि मेरी मेहनत का पैसा मुझे मिल जाए। इस ठीक चिंता है, को सरकार दूर कर दे, समस्या सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, धनकर जी। देखिए मीनाक्षी जी, चिराग सिंह जी बात कह रहे थे कि राजस्थान का बाजरा नहीं खरीदा हमने, हरियाणा सरकार के पैसे से 2150 रुपए में बाजरा खरीदा, राजस्थान सरकार ने नहीं खरीदा, उनको टोकने की बजाय इधर ठोक रहे हैं। हम गन्ने का भाव 350 हरियाणा में दे रहे हैं, 310 कैप्टन अमरिंदर दे रहा है, उसको ठोकने की बजाय हमको ठोक रहे हैं। ये जो जो कुछ राज्य सरकारों ने धर्म निभाना चाहिए, मक्का कैप्टन ने खरीदनी चाहिए थी, बाजरा गहलोत ने खरीदना चाहिए था, अपने अपने राज्यों में किसानों के लिए पैसा खर्च किया नहीं और यहां आके आंदोलन की रोटियां सेक रहे हैं ये कांग्रेसी लोग। इन्होंने इनको भगाना चाहिए और इनकी पोल खोलनी चाहिए कि जो अपने प्रदेश के किसानों का भला नहीं कर रहे। हम अपनी सरकार का पैसा दे रहे हैं गन्ने का भाव मेंटेन करने के लिए। ये जो झूठा झूठा किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं, जो झूठा किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं, आके रोटियां सेकते हैं आंदोलन में, आके सोते हैं वहां पे और वहां का दिखावा करते हैं, और जो किसानों का भला नहीं करते उनके पाल नहीं खोलते। ये राजनीति है। हमने 1000 रुपए अपने दादा के किसान को ज्यादा दिया है, 8000 रुपए एकड़ का फायदा पहुंचाया है, 26000 रुपए एकड़ का गन्ना किसान को फायदा उठा रहे हैं। झूठे उनके साथ, वो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो आके यहाँ रोटियां सेकते हैं, कभी दीपेंद्र रोटियां सेकता है, कभी शेलदार होती है, कभी सूखे वाला सोता है, कभी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।